Hey everyone, welcome back to the new video. My name is Gaurav and you are watching Traders Hub. In this video, we will talk about the psychological phase of a trader's life. Psychological जो phase होता है trader की life में last phase यही है, इसके बाद तो चांदी चांदी होती है. तो उस पर बात करेंगे कि हम कैसे उस पर switch करें अपने break even phase से. ठीक है, तो अपने example के तहत जो जो मैंने चीजें फेस करी है वही चीजें आपको बताऊंगा. I hope आप लोग अच्छे से समझे और पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ये सब करेंगे. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो यार देखो क्या होता है, शुरू में क्या होता है, तुम कहीं देख देख के किससे पता चल गया, यूट्यूब देख लिया, कुछ देख लिया, ट्रेडिंग में आ गए, बिना सीखे घुस गए, लॉस कर लिया, फिर सीखा, फिर लॉस कर लिया, और सीखा, लॉस कर लिया, फिर और सीखा, कभी कमाया कभी गवाया, ब्रेक इवन किया, साइकोलॉजी में फंसे, फिर साइकोलॉजी से स्टेबल हुए, फिर कमाया. बड़ा लंबा फेज है. ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो पहले सीखते हैं फिर उसके बाद जो है अपना आगे बढ़ते हैं. नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो तुम्हें उसके लिए डिग्री चाहिए, 4 साल 5 साल पढ़ोगे उसके बाद जो है आगे बढ़ोगे तब जाके तुम्हें जॉब मिलती है. पर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई टोकने वाला नहीं है, कोई हाथ नहीं पकड़ेगा, यहाँ पे गलती होगी कोई सुधारने नहीं आएगा, सब तुम्हें ही करना है. ठीक है, तो कैसे करना आगे बढ़ते हैं. मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि मैंने काफी अच्छे अच्छे अमाउंट बनाए उसके बाद लॉस कर दिए. ठीक है, शुरुआती दिनों में क्या हुआ था कि जब मैं थोड़ा सा प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हुआ, ब्रेक इवन कर रहा था, तो मैंने कोशिशें करी थी कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ कमाऊं. ठीक है, तो शुरुआत में क्या किया मैंने, 500-500 रुपए डेली के कमाए, क्योंकि मैं सोच रहा देखो एक्चुअली होता क्या है ना, अगर मैं तुम्हें बोलूंगा कि यार तुम्हें 5 किलोमीटर दौड़ना है आज, तो तुम दौड़ नहीं पाओगे, रुक रुक के दौड़ोगे, धीरे धीरे दौड़ोगे. पर वही मैं तुम्हें बोलूं 6 महीने बाद 5 किलोमीटर दौड़ना है और तुम रोज प्रैक्टिस कर रहे थे, तो 6 महीने बाद तुम्हारे लिए इजी होगा. दिमाग भी ऐसी होता है, साइकोलॉजिकली थकान लगती है, तो शुरुआत में हम ना ज्यादा कमा नहीं सकते, है ना, दिमाग थक जाता है. तो अगर तुम 500 रुपए कमा रहे हो और तुम सोच रहे 1500 की, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते साइकोलॉजिकली मतलब थकान हो जाती है, दिमाग को नींद बड़ी तुरंत आती है. ठीक है, या तो आती नहीं है, आती है तो बहुत गहरी आती है, उठने का मन नहीं करता, ऐसा होता है. तो दिमाग को भी धीरे धीरे ट्रेन करना पड़ता है कि धीरे धीरे वो प्राइस अपना इंक्रीज करे, अपना टारगेट इंक्रीज करे, 500, 1000, धीरे धीरे. फिर 6 महीने बाद 500-1000 तो नॉर्मल बात रहेगी, जैसे कि 5 किलोमीटर तक दौड़ना नॉर्मल बात थी. तो मुझे बात समझ में आ चुकी थी. और यार मेरे साथ सीन ये है कि मैं चीजों को ना बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, मुझे मैं इंतजार नहीं कर सकता बिल्कुल भी. लोग कहते हैं 5 साल 6 साल लगेंगे, मैं कहता नहीं मुझसे नहीं हो सकता भाई, होना है तो 1 साल 1.5 साल 2 साल में हो जाए, 5-6 साल हमारे बस का नहीं है, ना उतनी एज बची है हमारी कि 30 साल तक हम जो है वो करें. जब मुझे ट्रेडिंग के बारे में पता चला था मैं 22 साल का था उस समय. ठीक है, ये सब था. तो क्या हुआ, शुरू में मैंने एक हफ्ता 500 रुपए कमाए, ठीक है 500 रुपए बन गए, फिर मैं 1000 रुपए या 1000 बन गए, 1500 भी कमाए, 2000 भी कमाए, एक एक महीने बाई महीने बढ़ाए मैंने, 1 महीने 500 कमाए, 1 महीने 1000 कमाए, 1 महीने 1500 कमाए, धीरे धीरे मैंने अपना स्टेबल किया. ठीक है, लॉस भी करता था, ऐसा नहीं करता था, पर ये कि डेली का फिक्स था कि या तो 500 रुपए कमाऊंगा या तो रोक दूंगा. तो कभी 500 रुपए कमाए, कभी जो है अकाउंट खत्म हो गया, करते करते पर स्टेबल कर रहा था दिमाग को मैं धीरे धीरे. तो ऐसे करते करते 2-3 महीने निकले, फिर एक महीना ऐसा आया जब धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते ना 2000-2500 करते करते 5000 पहुंच गया था, धीरे धीरे 5000 रुपए डेली का. ठीक है, तो यहीं से जो है काया पलट हुई थी जिंदगी में. तो 5000 डेली का कमाता था, डेली की 5 शिफ्ट रहती थी मेरी, सुबह 10 बजे, फिर 12 बजे खाना खाने से पहले, शाम को और रात को. तो 1000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात नहीं, $2-2 से $1 से ट्रेड करता था और 1 घंटे में कभी आधे घंटे में 1000 रुपए हो जाते थे. दिल्ली के जो है 5000 रुपए कमाते थे, ऐसे करते करते 15-20 दिन में मेरे पास 1.5 लाख से ज्यादा रुपए हो गए थे, क्योंकि कभी कभी 8000 भी कमा रहा था. एक बार गलती से $90 की ट्रेड लग गई थी, सिंगल ट्रेड, तो गलती से विन भी हो गई, क्योंकि मैंने क्या किया, रुपए था 90 रुपए, उसके मैंने स्विच किया USD में, पता नहीं कैसे स्विच किया, दिमाग हुआ और मुझे लगा कन्वर्ट हो जाएगा, पर कन्वर्ट हुआ नहीं, 90 का $90 हो गया, ट्रेड लग गई, मैं जीत गया. तो फिर एक दिन मेरी जिंदगी में आया जब मैंने हाईएस्ट अमाउंट कमाया एक दिन में, वो था 38,000. ठीक है, 33,000 रुपीज. ठीक है, $400+ थे, 33,000-34,000 थे सिंगल डे में, 1.5 लाख रुपए हो गए. फिर धीरे धीरे 2 लाख 3 लाख 4 लाख, ये शॉर्ट फॉर्म में बताया, बाकी 20,000 सब्सक्राइबर में ट्रेडिंग जर्नी लाऊंगा स्पेशल लंबी वीडियो, डिटेल में बताऊंगा क्या क्या हुआ था, कर लिया. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, साइकोलॉजिकली स्टेबल कैसे होना है. तो सबसे मेन स्टेप ये है कि सबसे पहले साइकोलॉजिकली स्टेबल तब होगे जब साइकोलॉजिकली स्टैमिना ज्यादा होगा तुम्हारा. तुम्हें आज ही $2000, आज ही $20,000 कमाने, भाई मेरी एक बार बात सुन लो, एक बार तुम अपनी ट्रेडिंग में तुम अपना 1 साल 2 साल वेस्ट कर चुके हो, एक बार मेरी बात सुन लो, 2-3 महीने और वेस्ट कर लो, वेस्ट तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा, याद रखोगे इस बात को. छोटे टारगेट लो, भले तुम पे बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा रखते हो तुम, पर छोटे टारगेट लो,
1000 रुपये डेली का रखो, 500 रुपये डेली का रखो, छोटे छोटे रखो, छोटे छोटे अचीव करोगे ना, स्टेमिना बढ़ेगा दिमाग का, झेलने की ताकत बढ़ेगी। अगले महीने 1000, 2000, 3000, 4000 जब आदत हो जाती है ना, क्योंकि जब तुम ऐसे स्टेज में आओगे जब तुम 5000, 10000 डेली का कमा रहे होंगे, 1000 रुपये नॉर्मल बात रहेगी, तो तुरंत 1000 बने, बात खत्म। अभी मैं स्टेज में हूँ कि मेरे लिए 500 डॉलर आम बात है, 1000 डॉलर आम बात है, तो मुझे कोई कहता भाई 5000 रुपये कमाने तो मेरे लिए तो छोटी सी बात है, फिलहाल 5000 रुपये बहुत ज्यादा होते हैं, हमारे लिए आम बात है क्योंकि हम कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे बात होती है, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें मार्केट में कुछ बग दिखेगा, कुछ इरेगुलरिटी दिखेगी, उसको फायदा उठाओगे, 20-30 हज़ार डॉलर कमा लोगे, जो मेरे साथ भी हुआ था, जर्नी में सब बता दूंगा, फिर और पैसा आएगा, फिर इन्वेस्ट करोगे, रिस्क ज्यादा लोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे। पर यह है कि साइकोलॉजिकली स्टेबल होना है पहले। तो कोई मुझसे पूछता है कि भाई मैं साइकोलॉजिकल स्टेज से कैसे बढ़ूं, तो इसके ऊपर मैं तुम्हें हाथ खींच कर नहीं निकाल सकता वहां से, तुम ऐसा ही निकलोगे, तुम धीरे धीरे ही करोगे। भाई मैं आज ही, तुम सोच रहे हो कि भाई आज ही मैं जो है क्रॉस कंट्री मैराथन दौड़ूंगा, 50 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो भाई आधे रास्ते में फेंट कर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। वही अगर तुम्हें आज ही 10 लाख कमा रहे तो सारा कैपिटल जीरो करोगे, पर वहीं तुम प्रैक्टिस करोगे, हर महीने 1 महीना 2 किलोमीटर भागे, 1 महीना थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, फिर एक दिन आएगा कर लोगे। तो सेम यहाँ पे है, धीरे धीरे अपना जो है टारगेट बढ़ाएं, 500 रुपये से 1000 रुपये, 1000 से 1500, 2000 करके देखो एक बार बस, ठीक है, मेरे कहने पे करो, इतना समय वेस्ट कर लिया बाकियों के अनसर्टेन चीजों पे, इस पे वेस्ट करो और मुझे बताना कितना फर्क पड़ा। जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं वो तो करते हैं, आई होप आप लोग भी करेंगे जिनको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके जब तुम एक जमाने में जब तुम 2-3 हज़ार, 5 हज़ार डेली का कमाने लग जाओगे ना, 1000 रुपये आम बात होगी, ठीक है। जब तुम 5000 रुपये डेली का कमा रहे हो, ठीक है, 1.5 लाख महीना होता है, फिर तुम बोलोगे चलो अब मैं 3000 ही डेली का कमाऊंगा ताकि 1 लाख महीना कमाऊंगा, इजिली बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा, तो ये चीजें रहती है भाई, और आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और कभी कभी जब मान लो तुमने 1-1 लाख रुपए कमाए, 6-7 महीने, 8-10 महीने, 1 साल 2 साल हो गए, 8-10-12-15 लाख रुपए जमा हो गए, तब तुम उसमें से 2-3 लाख स्पेशल ऐसे अलग रख सकते हो जिसपे तुम मोटा रिस्क लोगे, मतलब 10-10 हज़ार के ट्रेड लोगे, 20 की लोगे, तो वो और जल्दी ग्रो करवाता है, क्योंकि ट्रेडिंग की लाइन में ग्रो करना है तो जिंदगी भर रिस्क मैनेजमेंट करोगे तो घर चल पाएगा, ठीक है। अगर तुम बिल्कुल मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट में बंद के ट्रेड करोगे तो घर चला लोगे, पर अगर तुम्हें घर बनाने हैं अपने बहुत सारे तो तुम्हें रिस्क बड़े लेने पड़ेंगे। सब लेते हैं यार, कितने लोग, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी जर्नी वही तरह सेम है, 20 हज़ार रुपये डाल के हमने कितने 4-5 लाख रुपये बनाए थे, उसको उसमें रिस्क लिया, मोटा रिस्क लिया, धीरे धीरे बढ़ाया, ऐसे कर करके हुआ, तो सब चीज़ें ऐसी होती है भाई, ठीक है। यही सब चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा था, ओके। तो साइकोलॉजिकल स्टेज से निकलना, तो भाई ये चीजें आप कर लेना, आई होप आपको समझ में आया मैं आपको क्या कह रहा हूँ। बाकी ट्रेडिंग जर्नी आएगी, कोर्स पे काम कर रहा हूँ, एडिटिंग वगैरह रह चुकी है, क्योंकि जो मेरा एडिटर था साला वो बीमार पड़ गया था बीच में, तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, कुछ उससे करवाऊंगा, ठीक है, फिर बता दूंगा जब आएगा, ओके गाइस, दैट्स ऑल। बाकी अगर आपको मेरे फ्री ग्रुप में मेरे फ्री सिग्नल चाहिए, प्रॉफिटेबल सिग्नल, क्योंकि हफ्ते में 2-3 दिन तो कैपिटल डबल करवा देता हूँ मैं सीधा, एक फुल अमाउंट की ट्रेड बताता हूँ, इस पॉइंट पर लोगे सब और विन होती हमेशा, जो बंदे देख रहे उन्हें पता होगा, ठीक है। तो फ्री ग्रुप में आना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से अकाउंट बना के डिपॉजिट करके मुझे मैसेज करिए, ऐड कर दूंगा। और पेड ग्रुप में पर्सनली मुझसे प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, वहां आपको डिस्कशन में बताऊंगा कैसे आप मुझसे सीख सकते हैं, ओके। तो यही था, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।